पे नाज़िल की है, इसलिए हक ने किसा फर्श पे नाज़िल की है। उसका महबूब उसे जिब्रील अमी तेरी पोशाक लिए अर्श से जिब्रील अमी बन के रिजवान तेरे की बातों से खुदा मिलता है तेरे बाबा, तेरी ताज़ीम किया करते थे तेरे चेहरे पे जो कुरान लिखा मिलता है। सैयदा आपकी बातों से खुदा मिलता है सलवात। इधर जाए दुआओं के लिए, मेरी मखदूमा इधर जाए दुआओं के लिए। हम गरीबों को तेरा दर ही खुला मिल आपकी बातों से खुदा मिलता है सलवात। इसको औलाद सुकून और बिलाए सिंधी कसी दुआ जब हमें सलाम हो सिंध सारी मत आहे करम दिए जो सिंध सारी मत आहे करम दिए जो सिंध सारी मत आहे करम जो सिंध तारिया मत करम गारिया जो छोत घर घर ते लगल आवे हैदरी।
बुलंद कर सलाम अल्लाह सल्ले अलैहि वसल्लम जिंदाबाद मोमिन जी के कलंदर ते वींदा सरकार रोदे के दिसना छा मसी थी दुआ बिस्मिल्लाह मुं डिठो है कलंदर जे सहन मापी मुं डिठो आहे कलंदर जे सहन मापी रोज शहबाद जो लगन दो हरम गाली नाम मेरा हबीब है और ये
हलारो तुम जो रो
पूरी की। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े दुरूद सलाम हो मोहम्मद अली मोहम्मद नहीं कर सकता हूँ
दस बंदे मुझे आपके पास सौ बंदे जाते हैं, हर तरह तरह के सवाल आप पूछते हैं ना, बताते भाई आपके ये कमरे की मसाइल है, किसी का बहुत इश्यूज होते हैं, किसी को गाड़ी पहले निकालने में गुस्सा आता है क्योंकि उसका अंदर पहले जा चुका है, अभी तक हमारा इश्यूज आप बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपको चुना गया है। इसी तरह हम एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठेंगे ताकि हमारे जो मोटाइयाँ उसको दर गुजर करके इसी दूसरे बेहतर बनाने के लिए आपसे मिलकर, हमारा मकसद कोई और चीज़ नहीं। आप पहले भी हमारे पास आते रहे, बहुत सारे और जहाँ भी जाए आपका राइट मन वही मसला है, आप किसी दूसरे के पास जाए या यहाँ आए आपके हक है, आपके हक क्या है, जिस जगह पे आप जाते हैं उसको फैसिलिटीज मांगते हैं ना, आप उस जगह पे जाके बोलते हैं मुझे ये फैसिलिटीज आप देते हैं तो मैं आपके पास, हमारा कोशिश होते हैं इनको फैसिलिट करूं, कुछ चीजें ऐसे हैं वो हमारा हाथ में, कुछ चीजें ऐसे वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी के जरिए से, वो पॉलिसी क्या है, कुछ लोगों ने हमें पूछा किया कि इंश्योरेंस के बारे में कल सुन रहा था के अंदर, तो इंश्योरेंस हमने नहीं कहा, अलवहदत से कोई लिंक नहीं है इंश्योरेंस, अलवहदत का क्यों लिंक नहीं है, अलवहदत के नाम से इंश्योरेंस था ही पहली बार, गवर्नमेंट आप ईरान की तरफ से थे ठीक है, हमें ऐसे इम्प्लॉई चुना ही है इन्होंने, हम इम्प्लॉई था हसनैन भाई इम्प्लॉई था इनका, जैसे मैं एक इदारे में काम करता हूँ ऐसे इम्प्लॉई था, वो खत्म भी इन्होंने किया है, लाने वाले भी वही है, और अभी भी वो आया उससे पहले भी था, जैसे पहले भी इसका इंश्योरेंस उससे पहले भी आया, बहुत सारे सालार से उनको पता होगा, सालाना उनको पता होगा, ये 2016 में भी आया, उसके बाद आवाज खत्म हुआ दोबारा आया, अभी भी तब्दान पे ये इंश्योरेंस के इश्यूज पर चल रहे हैं, आप सब जानते हैं वहाँ पर अलवेहदत की बात छोड़ दीजिए, आप किसी को भी गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने इसकी जिम्मेदारी सौंपा तो उठाएंगे नहीं उठाएंगे, हमें भी किसी ने लेना है ना, बेहतर यही होगा इसमें कोई ऐसा बंदे आया बेहतरीन तरीके से आप उससे फैसिलिटी मिले, अलवेहदत से इंश्योरेंस कोई भी नहीं, मैं इसको खत्म करने में मैं इस पर उठाने में, और वो कल की वजह से मैं बोल रहा हूँ, हालांकि ये कोई एजेंडा भी नहीं था, हमारा मकसद ये भी नहीं था कि इंश्योरेंस के हवाले से बात करें, कोई ऐसा नहीं है, हर साल आते हैं इनमें से बहुत साधारण, उनको मैं फील्ड के दौरान ज़्यादा करता भी है, जैसे कि मैं शायद भाई से बहुत मेरे तबादला नहीं होते हैं, क्यों मैं उन जगह पर मैं बर्दाश्त होते उनसे मैं ज़्यादा बात करता हूँ, इसी मौजूद को असद असद भाई है और दूसरे है, वो तो हम काम के दौरान आप भी होते हैं मसला नहीं आपके पास होते हैं, और खसूस सरजमीन से मैं डिबेट के चाहने वालों का जगह आज से नहीं है, इसकी हिस्ट्री उठाया जाए तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से पहले इंसान बस गया, 4000 साल पुराना आपकी हिस्ट्री है, ये मोहनजो दड़ो है इंसान की पहली, समझो कि तीसरी नंबर पे आते हैं चौथे नंबर पर आते हैं, यहाँ पर कहीं पर कलंदर आके इनकी नुमाइंदगी, कहीं पर अब्दुल बादशाह ब्रिटिश है और नाम क्या है, अगर आपको बताया गया कोई है, कोई तो है उसका नुमाइंदा है, ये सरजमीन पाकिस्तान क्या बहुत सारे जगहों से पहले यहाँ पे मुहब्बत उजागर उनको पाबंद सलासल करने के बावजूद भी अपने मिसेज बेहतरीन तरीके से पहुँचाती है, इस जमीन पर आयत अपनायत है, खसूस कराची के अंदर ये भी सर सिद्ध पाठ है ना, इतने लोग हैं हर जबान हर रंग हर नसल के लोग, किसने इसको संभाला हुआ है, क्यों एक्सेप्ट किया, इस जमीन का तासीर है, दूसरे जगहों को आपको नहीं मिलेगी, आप पंजाब के अंदर आप जाएं
बहुत सारे लोग आए, बहुत बेहतरीन तरह से आपको बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन बल्तिस्तान में जाइए बनने उससे कहता हूँ एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस हिसाब से सिंध नहीं किया, ये तासीर है, ये कल्चर में आप, आपका कल्चर इसलिए इस पर काम हुआ था बुजुर्ग इसलिए उन्हें काम करके लिए इसकी बदौलत है हम आपके पास इसी वजह से आए आपसे मिलूं कुछ चीजें हमारे अंदर कमजोरी है वो आप निशानदेही करें तो हमसे हो सके हम इसको उसको सॉल्व करने की कोशिश करें इसीलिए आया कोई और मकसद नहीं है हर कंपनी कोई ना कोई इसी तरह एजेंडा रखते हैं आप बहुत बड़ी कंपनी को देखें तो अपने पार्टनर हैं क्योंकि आप है तो हमें आपके जरिए से मेरे पास काम आते हैं आप 100 बंदे को संभाल तो मैं आपसे आपको रिस्पॉन्स देता हूँ क्यों क्योंकि मेरा आपसे मिलने का इस तरह से इवेंट रखकर एक दूसरे को समझने की मकसद ये एक बंदा आके मुझे बर बर बोलना और बहुत सारे इस तरह से इवेंट में वो पॉइंटिंग में आ जाता है वो आगे हम ये मैसेजेस पहुँचाते हैं ये ऐसे सर्वे है ये समझे पूरे सिंध के अंदर पूरे जगह पर परसों हमारे हैदराबाद में था नेक्स्ट प्लानिंग हमारा शिखर है फिर हम लड़काना है इसी तरह हम मिलने के लिए कोई और नहीं है और मकसद नहीं है और आप सबका इतने कीमती टाइम निकाल कर वक्त से टाइमिंग निकाल के यहाँ आना हमारे लिए भाई से काफी और आप लोग आया अलवेदर की टीम दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका और जो भी आपका इश्यूज है आप इधर आकर मैं इसके बारे के हिसाब से बता दीजिए जो हो सके हम इसको नोट डाउन करेंगे इसी हिसाब से हम आगे में विचार करेंगे जो भी इश्यूज है उसके बाद बस सलाम।